हमारी योजना हमारा विकास के तहत नौ निर्वाचित ग्राम प्रधानों के दो दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर सहित विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने नौ निर्वाचित ग्राम प्रधानों को पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि प्रधान अपने ग्राम सभा में विभागों की योजनाओं का शिविर लगाकर उनका क्रियान्वयन करें और ग्रामवासियों को योजनाओं से आच्छादित करें। जिसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि कार्यशाला में गाँव में सरल और ठोस पदार्थों के प्रबंधन के लिए किए जाने वाले उपाय, बिजली विभाग के द्वारा गाँव में दिए जाने वाले विद्युत कनेक्शन और बिलिंग के संबंध में तथा क्षय रोग के संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए योजनाओं की जानकारी ग्राम प्रधानों को दी गई है। इसके अलावा वित्त आयोग द्वारा किए गए कार्यों से भी अवगत कराया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, ऐसा अगर सब लोग कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? अगर सब लोग व्यवस्थाओं में कैसे कैसे व्यवस्थाएं हैं, कैसे फंड ट्रांसफर हो जा रहा है, आजकल भारत सरकार से कल डीएम साहब चर्चा कर रहे थे कि कोई बीच में नहीं है, कोई बैरियर नहीं है बीच में, भारत सरकार से पैसा सीधे आपके हस्ताक्षर में। इसीलिए इस पंचायत राज व्यवस्था को देखने के बाद कहते हैं लोग कि दो ही लोग हैं देश में, एक ऊपर प्रधानमंत्री, नीचे प्रधान जी, एक सचिव दस्तखत करता है, ऊपर से पैसा सीधे नीचे दूसरे सचिव साहब के पास आ जाता है और ये संभव हो चुका है सिर्फ ई गवर्नेंस, नहीं तो ये शायद संभव नहीं होता। एक एक लोगों का डेटा इकट्ठा करना, उसको मैनेज करना, देखना, एक कदापि संभव नहीं था, सिर्फ एक कंप्यूटर की प्रणाली से और ई गवर्नेंस से ही संभव हो चुका है। तो जो आपके ग्राम पंचायतों में खुली बैठक करानी है और जो जीपीडीपी का जो कार्यक्रम करना है, अगर आपने एक बार बेहतर तरीके से लोगों को कन्वे कर लिया, अपने लोगों को, अपने साथियों को समझा लिया, तो मेरा दावा है कि आपको पूरे वित्तीय वर्ष में ज्यादा संघर्ष की जरूरत नहीं होगी। एक बार जो जीपीडीपी का जो प्लान है, हमारी पंचायत हमारी योजना का जो उद्देश्य है उसको आप लोगों ने समझ लिया, ये जो दो दिन का प्रशिक्षण है मूलतः आप लोगों को इसी चीज के लिए बताने के लिए था कि कितने विभाग हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, कितनी योजनाएं हैं जो प्रधान के थ्रू ही लोगों के तक पहुंचने हैं, उसी के जरिए से लोगों को हैंडओवर होने हैं, या प्रशिक्षण उसी चीज का, और इसका निजात आपके पास है, इसका समाधान आपके पास है, सिर्फ कमियां कहां रह गई हैं? अरे साहब लिख दीजिए 500 मीटर लगभग होगा, लागत कितनी आएगी, अरे कुछ चढ़ा दीजिए 7 लाख 10 लाख 12 लाख, और उसी के वजह से आप अपने लिए सरदर्द पैदा कर लें, वो सरदर्द जो कि हमेशा चलता रहेगा कागजों को पूरा करने के लिए। सर हम लोग ऐसे लोगों को भी जोड़े, क्योंकि बात आ रही है सर ने बोल दिया तो इसमें लेने में कोई संकोच नहीं सर, दो दिन से विभिन्न सत्रों में महत्वपूर्ण विषयों के बारे में अधिकार और दायित्व हैं हमारे गांव की सरकार की, ज्ञानवर्धन हो रहा है, क्षमता वृद्धि हो रही है और उसके आधार पर हमें बहुत उत्सुकता है, उम्मीद है कि आगे निरंतर इस तरह के कार्यशालाओं से, चर्चा के सेशन से गांव में और बेहतर तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी, अभी गांधी जयंती आने वाली है 2 तारीख को, और इससे बड़ी श्रद्धांजलि महात्मा जी के लिए नहीं होगी कि हम इसको एक नई परिकल्पना के साथ संकल्पित होते हुए करें और इस गांव की इस बार की योजना जो बनेगी उसमें सबको जोड़ते हुए, सबके सुझाव प्राप्त करते हुए, सभी विषयों के बारे में जो 29 विषय आपके अधीन आते हैं, आपके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उसके बारे में एक समेकित अच्छी योजना बनाएं, एक बड़ा लक्ष्य, बड़ा विजन लेके चलें कि आपकी इस 5 साल की योजना में हम किस तरह गाँव का कायाकल्प करके रहेंगे। आज कार्यशाला में सबसे पहले जो हमारा जीपीडीपी है, विलेज लेवल पे जो डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है उस पर चर्चा की गई है, विस्तृत चर्चा हुई है, फिर बिजली विभाग ने अपनी प्रेजेंटेशन दी है, बिजली विभाग की समस्याओं को अलग से सुना गया है, क्योंकि ग्राम पंचायत में बहुत सारी परिसंपत्तियां हैं जहां पे बिजली के कनेक्शन हैं, उसको लेके जो बिल आ रहे हैं उसकी कैसे वन टाइम सेटलमेंट, जब ज़्यादा बिल पहले आ चुके हैं उसकी समस्याओं को हल किया गया है,
इसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक प्रेजेंटेशन दी गई है और उसके बाद DPRO साहब द्वारा पूरा डिटेल्ड जो फाइनेंशियल और या हमारे जितने भी वित्त योग हैं उनके क्या क्या फंड आते हैं, फंड फ्लो के बारे में, फाइल फ्लो के बारे में बताया गया डिटेल में। तो आज जो मुख्यतः एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा चीज़ों को बताया गया और जो उनके डोंगल्स हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़े और जो फंड्स हैं वो सही तरीके से यूज़ हो सके और कोई मिस्टेक जो हो सकती है उन चीज़ों को रोका जा सके। सर कुछ क्वेश्चन दिया है प्रधानमंत्री ने, वो क्वेश्चन एंड सेशन लास्ट में भी रखेंगे तो बीच में भी किए गए थे, उसको निस्तारण किया गया और उस क्वेश्चन से मुख्यतः जो था विभागों के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसको लेके क्वेश्चन थे, जहाँ जो इंडिविजुअल गाँव की समस्याएँ हैं बिजली को लेकर, पानी जलभराव को लेकर, वो अलग से टेकअप की गई है और उनको विभाग बार बांट के DM साहब द्वारा निस्तारण कराया गया।